गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी? वेरी गुड आई होप। मुझे पता है, अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं हम EBS, है ना। आज हम EBS का सब्जेक्ट ले रहे हैं और इसमें हम लेसन ले रहे हैं माय टीथ, मतलब हमारे दांत, मेरे दांत, है ना। माय मीन्स मेरा और टीथ मीन्स दांत, मेरे दांत, है ना। अब आपको टीचर बताएंगे, लिसन टू योर टीचर अबाउट टीथ, मतलब टीचर आपको दांत के बारे में बताएंगे। टीथ आर हार्ड एंड वाइट पार्ट्स ऑफ अवर माउथ, हमारे मुंह पर क्या होता है, जो दांत होते हैं ना मुंह में, वो सफ़ेद होते हैं और बहुत सख्त होते हैं, होते हैं ना हमारे दांत। टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड, मीन्स दांत हमारे क्या करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। दांत होते हैं तभी तो हम चबा चबा के खा पाते हैं अच्छी तरह से, है ना। चिल्ड्रन हैव 20 टीथ एंड अडल्ट्स हैव 32 टीथ, मतलब बच्चों के, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, है ना, बच्चों के कितने दांत होते हैं 20, और बड़ों के, जो बड़े होते हैं उनके कितने होते हैं 32, ठीक है। मिल्क टीथ स्टार्ट फिलिंग एट द एज ऑफ 6, जो दूध के दांत होते हैं, सुना है आपने, जब आप बच्चे बहुत छोटे होते हैं बेबी, तब उनके दांत क्या होते हैं, टूट, जब वो आते हैं, दूध के दांत आते हैं जब 6 मंथ में आते हैं, है ना। और मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, और जब वो दूध के दांत जब टूट जाते हैं फिर हमारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, है ना, इतना समझ में आया, माय टीथ मीन्स मेरे दांत, है ना। टीथ आर हार्ड एंड वाइट पार्ट्स ऑफ अवर माउथ, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और वो बहुत अच्छे सख्त होते हैं, हार्ड मीन्स कठोर, है ना, और वो हमें खाना खाने में मदद करते हैं, हम दांतों की मदद से चबा के खाते हैं खाना। और जो बच्चों के दांत होते हैं वो कितने होते हैं 20, और जो बड़ों के दांत होते हैं वो 32, और जो दूध के दांत जब बेबी जब होते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके बाद जब वो 6 मंथ के होते हैं तब उनके दांत आते हैं, और उनके दांत फिर जब टूट जाते हैं उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, है ना। इतना आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर लुक, लर्न एंड डिस्कस, यहाँ पर हम थिंग्स गुड फॉर टीथ, अब हम अच्छे दांतों के, जो दांतों के लिए जो चीज़ अच्छी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा टीथ है, है ना। ब्रश डेली, पिक्चर में देखो, ब्रश डेली मतलब ब्रश हमें डेली करना चाहिए। ड्रिंक मिल्क मतलब हमें दूध पीना चाहिए, दूध पीने से दांतों को क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। गो फॉर रेगुलर चेकअप्स मतलब डॉक्टर से हमें दांतों की चेकअप करवाते रहना चाहिए। ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दांतों से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं जो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पर आता है इसका अपोजिट, है ना, थिंग्स बैड फॉर टीथ, अब यहाँ पे गुड था और यहाँ बैड है, ठीक है। अब यह दांत है, देखो कैसे हो रहा है, रो रहा है, मतलब ईटिंग अ लॉट ऑफ कैंडीज, अब कैंडी मीन्स क्या होता है, कैंडी मीन्स चॉकलेट, ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। स्लीप विदाउट ब्रशिंग, अब बिना ब्रश करे अगर सो जाते हैं देखो तो फिर क्या होता है, दांत सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। फिजी ड्रिंक सोडा, ये देखो आप कोको कोला सोडा ये सब पीते हो ना, इससे दांतों पे इफेक्ट पड़ता है। और थंब फिंगर शकिंग मीन्स ये देखो दांतों में कैसे अंगूठा उंगली ऐसे चबाते हैं, तो ये भी दांतों को नुकसान देता है। तो ये दांतों के लिए अच्छी आदतें हैं और ये दांतों के लिए बुरी आदतें हैं, इससे दांतों को नुकसान होता है, ठीक है। इस तरह से ये माय टीथ वाला हमारा जो EBS का लेसन था ये कैसा हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।